आज पिटबुली ट्यूबवेल में डूब जाता। हुआ क्या कि सुबह सुबह मैं पिटबुली और प्लूटो को फार्म पर लेकर गया, क्योंकि अब पिटबुली एग्रेसिव हो रहा है तो इसको थोड़ा घुमा कर लाना बहुत जरूरी होता है। फार्म पर जाते हुए पिटबुली ने ढोलक की तरह रेस लगाई। रेस लगाते हुए पहुंच गए फार्म पर। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठकर तेज धूप निकलने पर मैंने बड़ी मुश्किल से प्लूटिंगो को पकड़ा। हाँ भाई, नहीं नहीं करेंगे आज तो। फिर इसको अच्छे से नहलाया। फिर इसको नहलाने के बाद मैंने प्लूवी नहलाने का सोचा। ये एक दो महीने से नहाया नहीं था, तो जैसे ही मैं इसको ट्यूबवेल के अंदर लेके आया तो ये अजीब सा बिहेव करने लगा और एकदम से डूबने से बच गया। इसकी नसों में अभी भी दिक्कत है, ये प्रॉपर सही नहीं हुआ है। फिर इनको लेकर मैं घर को आया। फिर घर आकर देखा कि मम्मी दीदी को प्यार कर रही है। देखो कैसे बैठी है सजकर दीदी। अरे बड़ी खुश है ये तो आज। देखो इसको चिपक कर सोने की आदत है, देखो कैसे सो गई मेरे पास ही। और देखो हमारे घर में हेलीकॉप्टर की टीम घर बना रही है, ये डेली यहीं रहते हैं, बस इनको बागड़ बिल्ला ना मार दे। फिर मैं शाम को जिम करने जाता हूँ, जिम से आते हुए लेट हो जाता हूँ तो घर आकर देखता हूँ एक छोटा सा भूत मुझसे मिलने आया है। अरे ये तो दीदी है।